हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से हमारे चैनल लाइफ साइंस स्टडी ग्रुप में। आज का जो टॉपिक है हम डिस्कस करने आए हैं टूल्स एंड टेक्निक्स में, जो सभी लाइफ साइंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, जैसे कि सीएसआईआर नेट, यूजीसी नेट या फिर डीबीटी गेट या फिर आईसीएमआर में, और अभी जो एमपी सेट भी होने वाला है और सीजीपीएससी का एग्जाम हो रहा है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, तो उसमें भी इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमारा पहला वीडियो है, इसके बाद और भी वीडियो लॉन्च किया जाएगा। यहाँ पे ये जो टॉपिक है टोटली डिपेंडेड बेस्ड है हमारे व्यूअर्स के डिमांड पे, जैसा कि आकृति चौहान और ज्योति सिंह ने इस टॉपिक का डिमांड किया था। तो आइए दोस्तों चालू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला जो क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन हमको अलग अलग एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है कि एक प्यूरिफाइड प्रोटीन है जिसको एचडीएस पेज में रन कराते हैं किसके प्रेजेंस में, बीटा मर्कपटो इथेनॉल या फिर टू मर्कपटो इथेनॉल से। तो हमको दो बैंड्स मिलते हैं, दो अलग अलग बैंड, एक 25 किलो डाल्टन का, एक 35 किलो डाल्टन का। लेकिन अगर हम इसको जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी से अगर हम इसका एल्यूशन करते हैं तो ये मिलता है हमको 36 किलो डाल्टन पे। तो इसका रीजन क्या हो सकता है, तो आइए देखते हैं पहले कि एचडीएस पेज में क्या होता है। एचडीएस पेज में जब हम प्रोटीन को एचडीएस में मतलब कि रन कराने के लिए लोड करते हैं, उसके पहले हम उसको ट्रीट करते हैं बीटा मर्कपटो इथेनॉल से, एचडीएस से, और हीट करते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि जब हम बीटा मर्कपटो इथेनॉल से ट्रीट करते हैं तो इसके बीच का डाइसल्फाइड बॉन्ड है, डाइसल्फाइड बॉन्ड टूट जाता है। डाइसल्फाइड बॉन्ड टूटने के कारण कि जो अगर वो सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन है तो ये लीनियराइज हो जाएगा, अगर वो डबल पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलके बने, मतलब कि एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलके बने, तो दोनों पॉलीपेप्टाइड चेन अलग हो जाएंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे जुड़े हुए दो अलग अलग हो गए, लेकिन अगर वो सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन से मिल गए तो वो एज इट इज रहेगा। तो इसमें जो डबल पॉलीपेप्टाइड चेन है तो अलग अलग किलो डाल्टन पे इसका बैंड आएगा, और अगर सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन है तो वो एक ही बार वो उसका बैंड आएगा। और हम थ्योरी देखते हैं जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी का। जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है, एक कॉलम होता है, कॉलम के अंदर भरे होते हैं, धसे होते हैं बीड्स। बीड्स बीड्स क्या होते हैं, पोरस होते हैं। पोरस मतलब कि इसमें छोटे छोटे पोर्स या फिर छेद होते हैं, और इन छोटे छेद से जो बड़ा प्रोटीन हम पोर करेंगे, तो प्रोटीन क्या करेंगे इस छेद में या फिर पोर्स में एंटर ना करके सीधा सीधा बाहर से ही मूवमेंट करेंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मूवमेंट करेंगे, और वो जल्दी इल्यूटेट हो जाएंगे। लेकिन जहाँ पे हम छोटा छोटे साइज का मतलब कि पोर से साइज अगर छोटा है तो वो प्रोटीन क्या करेंगे इन पोर्स में इंटर कर जाएंगे, जिनसे इनका 5 किलो जो लेंथ है यहाँ से यहाँ ट्रेवल करने का जो डिस्टेंस है वो बढ़ जाता है, जिसके कारण ये लेट से इल्यूट आउट होते हैं, और जो बड़े प्रोटीन है वो जल्दी इल्यूट आउट होते हैं, और सबसे बड़े प्रोटीन सबसे जल्दी इल्यूट आउट होते हैं। तो इसका आंसर जो रहेगा यहाँ पे कि ये क्या है, हेट्रोडाइमर है, ये हमारा हेट्रोडाइमर प्रोटीन क्या है, हेट्रोडाइमर। और अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि हमें एक प्रोटीन आइसोलेट करके हमने एक प्रोटीन आइसोलेट किया है, प्रोटीन आइसोलेट किया है, और हम इसका क्या करना चाहते हैं, मॉलिक्यूलर वेट डिटरमाइन करना चाहते हैं। मॉलिक्यूलर वेट जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट डिटरमाइन करने के लिए पूछा गया है। तो मॉलिक्यूलर वेट डिटरमाइन करने के लिए कौन कौन से टेक्निक से हमको देखनी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी दिया गया है, आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी दिया गया है, और अल्ट्राफाइन सेंट्रीफ्यूगेशन दिया गया है, एचडीएस पेज और एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी। तो सभी का हम यहाँ पे थ्योरी देख सकते हैं कि यहाँ पे जो आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी दिया गया है इसमें जो होता है बीड्स ही होते हैं, लेकिन यहाँ पे होते हैं चार्ज बीड्स। ये बीड्स यहाँ पे देख सकते हैं माइनस चार्ज बीड्स हैं, और हमने इसमें प्रोटीन का पूरा मिक्सचर पोर किया, जिसमें है पॉजिटिव चार्ज बीड्स हैं और नेगेटिव चार्ज भी बीड्स हैं। तो क्या करेगा, जो नेगेटिव चार्ज तो इनसे इंटरेक्ट नहीं करेगा, पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, इस नेगेटिव चार्ज बीड्स से बाइंड हो जाएगा और यहाँ पे इंट्रैप हो जाएगा, मतलब फंस के रह जाएगा। लेकिन जो नेगेटिव चार्ज बीड्स हैं वो मूवमेंट करने लगेंगे, और सबसे पहले नेगेटिव चार्ज बीड्स बाहर निकलेंगे और पॉजिटिव चार्ज जो है इंट्रैप हो जाएंगे। और तो इसका इसलिए इसका आयन का जो बेस है वो है चार्ज, चार्ज के बेस में इसके एल्यूशन होता है। लेकिन एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी में देख सकते हैं यहाँ पे क्या किया गया है, प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट को हम इसमें डालते हैं, और उस प्रोटीन से बाइंड करने वाला लिगेंड, मतलब कि जिस लिगेंड से इंटरेक्ट करता है वो प्रोटीन, उसको हमने बीड से इंटरेक्ट करके रख दिया है। तो अब जब हम प्रोटीन का मिक्सचर डालेंगे तो सिर्फ और सिर्फ वही प्रोटीन क्या करेगा, लिगेंड से बाइंड हो जाएगा,
और वो इंट्रैप हो जाएगा, यहाँ पे फंस के रह जाएगा, जैसे कि यहाँ पे फंस के रह गया है इस शेप का प्रोटीन, और बाकी जो प्रोटीन जो इंटरेक्शन नहीं करते हैं लाइगेंड से वो इल्यूट आउट हो जाएंगे। तो इस तरीके से इन दोनों के बीच का जो एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी के इल्यूशन का थ्योरी है वो है बायोलॉजिकल एक्टिविटी। बायोलॉजिकल एक्टिविटी मतलब कौन किससे इंटरेक्ट करता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी का बेसिस है चार्ज, और अल्ट्रासेंट्रीफ्यूगेशन का बेसिस है मास, और एचडीएस का है भी है मास, और यहाँ पे आप देख सकते हैं जेल फिल्ट्रेशन का भी है मास। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आएगा? जी हाँ, जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी मास के बेस पे होता है, मॉलिक्यूलर वेट है ना, मॉलिक्यूलर वेट या फिर मास। आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी में चार्ज के कारण होता है, तो ये आंसर गलत है। और देखते हैं एचडीएस अल्ट्रासेंट्रीफ्यूगेशन भी होता है, एचडीएस पेज भी होता है मास के बेस पे, एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी बायोलॉजिकल एक्टिविटी के बेस पे होता है। तो इसका आंसर रहेगा ए सी डी, ए सी डी। चलिए, तो ये हमारा क्रिएटर्स कॉर्नर है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज इसको लाइक कर देंगे, और आगे के वीडियो को अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर कोई भी क्वेरी है, क्वेश्चन है, तो इसमें कमेंट बॉक्स में प्लीज इसको लिख देंगे। तो आइए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में यहाँ पे दिया गया है एक दो प्रोटीन है एस और एम, दोनों प्रोटीन क्या किया गया है, सेम है इनका मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट सेम है, चार्ज भी सेम है, और स्ट्रक्चरली ये भी सिमिलर है, लेकिन इनमें डिफरेंस क्या है कि डोमेन्स, कुछ डोमेन्स में कुछ कुछ जगह इनका डोमेन जो है डिफरेंट, तो इनको हम किस तरीके से अलग कर सकते हैं। इसमें कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं। तो यहाँ पे एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी का जो बेसिस होता है बायोलॉजिकल एक्टिविटी, और अलग अलग डोमेन का जो एक्टिविटी होता है अलग होता है। आयन एक्सचेंज का है चार्ज, तो हमको बताया गया चार्ज सेम है, तो चार्ज के बेस पे हम नहीं कर सकते। थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी के लिए मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट, तो यहाँ पे दिया गया है कि मॉलिक्यूलर वेट सेम है, चार्ज भी सेम है, लेकिन स्ट्रक्चर भी चेंज है सेम है, तो आयन एक्सचेंज से नहीं हो सकता क्योंकि चार्ज सेम है, थिन लेयर है, थिन लेयर में क्यों नहीं हो सकता क्योंकि थिन लेयर में मास के बेस पे होता है, पेज से एचडीएस पेज से जो करते हैं वो भी मास के बेस पे, तो हमारे पास ऑप्शन बचता है ऑप्शन वन, एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी के द्वारा इसको हम अलग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि शुरुआत में कौन से जो क्रोमेटोग्राफी का जो टाइप्स है उसमें शुरुआत में जो इनिशियली जो है हाई आयनिक स्ट्रेंथ रहता है, मतलब शुरुआत में आयनिक स्ट्रेंथ क्यों ज्यादा, कौन से में ज्यादा रखा जाता है, ये क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, और ये डीबीटी में ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं, ये वाले क्वेश्चन सेम है पूरे यहाँ पे भी। तो इसमें हम देख सकते हैं अगर थ्योरी देखें आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी का, तो इसमें चार्ज के बेस पे होता है, तो हमें आयनिक कंसेंट्रेशन हाई करने की कोई जरूरत नहीं है। तो हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन क्रोमेटोग्राफी में क्या किया जाता है, जो हमारा सॉलिड फेज है या फिर कहना चाहिए इमोबाइल फेज है, इमोबाइल फेज में होता है हाइड्रोफोबिक एंड्स, हाइड्रोफोबिक लेयर्स होते हैं, और उससे हमारा जो प्रोटीन का मिक्सचर है वो उसको रन कराया जाता है, मोबाइल फेज में हमारा प्रोटीन मिक्सचर होता है। अब मोबाइल फेज का जो प्रोटीन मिक्सचर है सिर्फ हाइड्रोफोबिक जो प्रोटीन है हाइड्रोफोबिक इमोबाइल फेज से या फिर स्टेबल फेज से इंटरैक्ट करेगा, और हाइड्रोफोबिक प्रोटीन जो है इसमें इंट्रैप होके रह जाते हैं, और तो ताकि क्योंकि ये रॉन्ग बाइंडिंग ना हो, मतलब कि हाइड्रोफिलिक जो प्रोटीन है वो भी बाइंडिंग ना कर जाए, इस कारण इसका जो चार्ज है वो हाई रखा जाता है शुरुआत में, उसके बाद जब क्या करते हैं उसको लो कर देते हैं, जिसके कारण ये जो हाइड्रोफोबिक प्रोटीन है वो भी इल्यूट आउट हो जाते हैं। तो इसका आंसर रहेगा हमारा हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन क्रोमेटोग्राफी। अब देखते हैं क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इसमें कौन से टेक्निक्स में मॉलिक्यूलर सेपरेट किया जाता है अपॉन देयर साइज, साइज के आधार पे किसका एक्सक्लूजन करते हैं। तो यहाँ पे आप देखते हैं एंटीबॉडी एफिनिटी में एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी किया जाता है बायोलॉजिकल एक्टिविटी के लिए, आयन एक्सचेंज किया जाता है चार्ज के बेस पे, और आइसोलेक्टिक फोकसिंग भी चार्ज के बेस पे होता है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा जेल एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी, इसका डिस्क्रिप्शन हम पहले क्वेश्चन में देख चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि यहाँ पे जो सेफर्डेक्स की सीरीज है, सेफर्डेक्स किसमें यूज होता है, जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी में, अलग अलग 10, 15, 25 और आगे चल के 200 तक, इनमें पोर का साइज, जैसा कि उसमें जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी में पोर दिखाया गया था उसका साइज क्या होता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक लिस्ट है सेफर्डेक्स 10 का, 25 का, 50 का, 75,
तो जैसे जैसे नंबर बढ़ते जाते हैं, इसकी ग्रेडिंग जो बढ़ते जाती है, यहाँ पे 700 है, 1000 है, 500 है, 1500 है, 30,000। तो जैसे जैसे इसके ग्रेडिंग बढ़ते जाती है 10 to 25, तो इसमें इसमें जो इसका जो फ्रैक्शन रेट है, मतलब कि इसका जो साइज है, एक्सक्लूजन साइज है, वो बढ़ते जाता है। तो इसका आंसर रहेगा इंक्रीजेस। तो जैसे जैसे इसकी ग्रेडिंग बढ़ती है, उसका पोर का जो साइज है वो बढ़ते जाता है। क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि क्रोमेटोग्राफी कौन से टेक्निक को, ए से बी को हमको मिलाना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर एक ही आंसर को हम मिलाएंगे तो बनने के चांस है। जैसे आप देख सकते हैं क्रोमेटोफोक्सिंग को देखा जाए, क्रोमेटोफोक्सिंग क्या किया क्या होता है, एक पीएच का ग्रेडियंट होता है। पीएच ग्रेडियंट बना होता है एक ट्यूब में, जिसमें लगे होते हैं, जिसमें क्या एम्फोलाइट्स होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं पीएच 3 है, यहाँ पे 9 है, मतलब कि एक तरफ कम पीएच, एक तरफ ज्यादा पीएच। जब हम प्रोटीन का मिक्सचर को हम इसमें लोड करते हैं और इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं, तो क्या करते हैं, इनमें जो सेपरेस जो प्रोटीन जिनका आइसोलेक्ट्रिक पॉइंट, जहाँ पे मान लो किसी प्रोटीन का आइसोलेक्ट्रिक पॉइंट 3 है, तो वहां तक आके इसका मूवमेंट रुक जाता है, क्योंकि वहां पे कोई भी चार्ज नहीं होता है। चार्ज ना होने के कारण उसका मूवमेंट रुक जाता है, और इसमें जो सेपरेशन का बेसिस है आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट के बेस पे यहाँ पे आप देख सकते हैं मिक्सचर और प्रोटीन जो है अलग अलग पॉइंट पे सेपरेट हो चुके हैं। पी आई वैल्यू का मतलब होता है आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। तो इसका जो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्रोमेटोफोक्सिंग होता है, पीएच ग्रेडियंट होता है, इसमें पीएच ग्रेडियंट होता है। तो यहाँ पे अगर पी को फर्स्ट वाले से मिला दें तो इसका आंसर आता है ए। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि दो प्रोटीन दिया गया है जिसमें मॉलिक्यूलर मास सेम है, ठीक है, और आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट मतलब कि ऐसा पीएच सॉल्यूशन का, ऐसा पीएच जिसमें हमारा जो प्रोटीन है उसमें ना तो प्लस चार्ज है ना तो माइनस चार्ज है, मतलब कि टोटल चार्ज जो है हमारा जीरो है, जीरो टोटल चार्ज है, तो इसको हम कहते हैं आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। द बेस्ट वे टू सेपरेट देम, तो उनको अलग करने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है, चलिए देखते हैं। क्रोमेटोफिक्सिंग में होता है, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट के बेस पे होता है, तो क्योंकि आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट सेम है तो ये तो नहीं हो सकता है। और हम देखते हैं आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी में होता है, आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी भी होता है किसके आधार पे, चार्ज के बेस पे, मतलब पीएच। और हाँ, यहाँ पे हमको किसके, क्योंकि सभी में चार्ज क्या होना क्या है, जीरो है, तो जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी जो होता है मास के बेस पे, जबकि यहाँ पे दिया गया कि सेम मॉलिक्यूलर मास, तो ये भी नहीं होता है। अब देखते हैं रिवर्स फेस क्रोमेटोग्राफी का थ्योरी। रिवर्स फेस क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है, जो मोबाइल फेज है वो स्टेशनरी, जो स्टेशनरी फेज जो होता है हाइड्रोफोबिक होता है, और जो हमारा प्रोटीन कंटेंट है या फिर प्रोटीन का मिक्सचर है उसको हम इसको मोबाइल फेज में रखते हैं, जिससे मूवमेंट कराते हैं, और जो प्रोटीन हाइड्रोफोबिक हैं वो क्या करेंगे कि स्टेशनरी फेज से इंटरैक्ट करके यहाँ पे बाइंड हो जाएंगे, और जो प्रोटीन हाइड्रोफिलिक हैं वो मूवमेंट कर जाएंगे। तो सबसे पहले कौन सा निकलेगा, हाइड्रोफिलिक वाले प्रोटीन, और सबसे लेट में निकलेगा हाइड्रोफोबिक। तो इस तरीके से हम हाइड्रोफोबिसिटी के आधार पे प्रोटीन्स को सेपरेट कर सकते हैं। तो इसका आंसर जो रहेगा रिवर्स फेस क्रोमेटोग्राफी। क्वेश्चन देख सकते हैं नेक्स्ट कि निकिल नाइट्रिलो एसिटिक एसिड जो होता है, इसमें कॉलम में किस क्रोमेटोग्राफी में यूज किया जाता है। आइए देखते हैं, ये जो निकिल क्लेटिंग, मतलब कि ये जो पार्ट है, मतलब कि स्टेशनरी फेज में हमने निकिल नाइट्रिलो एसिटिक एसिड को एम्बेड कर दिया, और हम जो प्रोटीन बनाए हैं प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट, उसमें हमने क्या कर दिया है, फ्यूज कर दिया है हिस्टिडीन पॉलीहिस्टिडीन चेन को, जिसके कारण जो प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट है उसमें रहेगा पॉलीहिस्टिडीन चेन। जब हम इसको मूव कराते हैं कॉलम के थ्रू, तो क्या करेगा कि हिस्टिडीन जो है वो इंटरैक्ट करेगा हमारे लिगेंड से या किलेट से, और बाइंड हो जाएगा। बाइंड होने के कारण क्या होता है कि जो प्रोटीन है, प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट है, ये इंट्रैप हो जाता है मिक्सचर से, और मिक्सचर से हम इसको अलग कर सकते हैं। तो इस तरीके से इसका आंसर रहेगा एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी, क्योंकि इनके बीच में जो हमारा प्रोटीन है उसके बीच और हमारे स्टेशनरी फेज के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है, बायोलॉजिकल इंटरेक्शन हो रहा है। तो इसका आंसर रहेगा डी। तो हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। किसी भी क्वेरी के लिए प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख देंगे, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।